पंजाब दे मौजूदा हालातों के बारे एस सी कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला वालों की गई प्रैस कॉन्फ्रेंस की कहा आओ वेखते हैं पूरी रिपोर्ट। अज के दिन रक्षा बंधन के बहुत वड्डा तोहफा जिहड़ा देश के प्रधानमंत्री ने भैणों नूं दित्ता है कि जिहड़ा रसोई दी विच काम आउण वाला गैस सिलेंडर जिहड़ा है उहदे ते 200 रुपया जिहड़ा है उहनूं सस्ता कीता है कि अपने आप बहुत वड्डा रखड़ी दा ते भैणों नूं तोहफा लै सकदा। दूसरा क्योंकि पंजाब दे हालात नूं जिथे देश चंद्रमा से चला गया और पूरी दुनिया के चंद्रयान ने एक अपनी पहचान भी बनाई और देश का जोड़ा आ परचम चंद्र के उत्ते भी जो लहराता है परचम जो हिंदुस्तान का वो परचम लहराया और असं यह भी देखते हैं कि देश का जोड़ा एक चंद्रयान एडा महारत खटी है जिन्हें पूरी दुनिया च ना किया उसके खर्चा आया 650 करोड़ रुपया पर पूरी दुनिया यदि सिफत भी कर रही कि बहुत घट खर्चे के जोड़े चंद्रयान के उत्ते पहुंचे है पर नाल जो दूसरे पास असीं पंजाब नूं देखिए तो 1200-1300 करोड़ रुपए की ऐड ही देती है जेदा किते पंजाब तो बाहर या पंजाब की किसी जनता दे विच किते ना नहीं हैगा एडा बड़ा खर्चा जे चाहुंदे तो दो चंद्रयान पंजाब भी स्थापित कर सकदा सी भाव होर वड्डे कीर्तिमान स्थापित किए जा सकते सी पर पंजाब ने ऐसी कोई सोच नहीं रखी सवाए अपना गुणगान तक कर लिया और वो देते बहुत वड्डा बजट जोड़ा खर्च करता और ये कहिए कि चंद्रयान का खर्चे तो भी दुगना खर्चा सिर्फ अपनी बहजा कराने के बच्चे और जी प्रचार प्रसार है जिसका धरातल के उत्ते कुछ दिखाई देता है। तुम देखे कि हमने दो बार हड़ा का सामना किया है पंजाब ने पर ना तो पंजाब वालों कोई उत्थे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कुछ किया गया और ये भी नहीं कि भी केंद्र वालों के लिए कोई पैसा नहीं आया केंद्र वालों 750 करोड़ रुपये तो होने दे आया पर इस तो पहला हर साल रूटीन च डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आता रहा है पर जो अभी देखते साढ़े टांडे के जो अभी लोग फसे असं कह रहे थे डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम भेजो तो उत्थे कुछ नहीं सी किसी को बोर्ड नहीं सी किसी ना भी कोई चीज़ नहीं सी भाव वो जरा पैसा खर्चना चाहिए सी डिजास्टर मैनेजमेंट के लोगों तकलीफों के लिए खर्चना होना चाहिए सी उहदे च किते सानू कोई भी दिखाई नहीं दिता और जरा अपना कर्तव्य उन्होंने निभाना चाहिए सी नहीं दिता पर हाँ स्टेजा तो असीं ये कहिंदा बहुत सुनिया कि मैं कुकड़ियां दे भी पैसे दूंगा मरियो बकरी दे भी पैसे दूंगा बड़ा अजीब जिहा लगता है कि चीफ मिनिस्टर दे कोलों एक चीफ मिनिस्टर नहीं वो चीफ मिनिस्टर जिहा लगा कि वो बड़ी चीप जिहा गल्लां कर रहा सी मैं कद्दू दे पैसे भी देंगा वो हुण तां उत्थे बहुत सारी जगह ते लोकां नूं ए ही नहीं पता कि उन्हां दा खाता है कित्थे कद्दू करना कित्थे उहदा खसरा नंबर कित्थे उन्हां क्योंकि रेता ने इन्ना तां भर लिया उत्थे जिथे उहदा खर्चा होना चाहीदा सी बजाय कि उन्होंने जख्म उत्ते मलम लाने के उल्टा वह मजाक जहा करके दिखाया वो एक बड़ा शंसा और मैं ये कह सकता कि भाई पंजाब की यह विडंबना कह लो कि हाले तक उन्होंने कोई गंभीर जोड़े आता नहीं मिले जिदा कारण जोड़ा अज कमेडी के नाल कमेडी के लोगों हसाया जा सकता रौनक मेला किया जा सकता एक जी सभा दे विच एक हास्या वर्गा माहौल पैदा तो किया जा सकता पर सरकार चलाने दे लई सिर्फ कमेडी नहीं कमिटमेंट चाहिए है कमेडियन नहीं कमिटमेंट चाहिए है और एक जड़ा जी कमी साढ़े को रही है और अज जो असं कही कि जिते तक गैर जिम्मेवारी की गल करिए
ते मेरा हाल पंजाब पहला सूबा है कि जेड़ा किसी की गल नहीं मानता, जेदे कोई संविधान की नाम की चीज नहीं, हर चीज नूं चुटकलियां दे विच ही लगा दिता जाता है। और राजपाल का और ये प्रति इस तरीके का रवैया रखना कि वो जिस तरीके का असीं रोजाना खबरां पढ़ते हैं, एक जिहड़ी मर्यादावां होंदियां लोकतांत्रिक मर्यादावां होंदियां सरकारी पद के उत्ते बैठ के एक जिहड़े एक व्यक्ति की जिम्मेवारी वाली गल्लां करनियां होंदियां, उस मर्यादावां का ख्याल रखना होंदा, परंपरावां नूं करना होंदा, वो कितें दिखाई नहीं दे रहा। और जिस तरह दीआं भाषावां वरतियां जांदियां वो बड़ा गैर जिम्मेवार। और सुप्रीम कोर्ट ने भी हुण तां कह दिता है कि भाई तुहानू सरकार तुसी चलानी है, पर राजपाल जो जानकारी मंगता है वो देनी पैनी है। और जो असी देख रहे हैं कि जिस तरीके ना पहला सत्र चलिया कि राजपाल कुछ होर कह रहे हैं और सरकार कुछ होर पासे जा रही है, हुण भी जे उहदे कोई रिपोर्ट मंगी जा रही है तो कहिंदे असी देनी है। इस तरीके का सरकार मेरे ख्याल पहला पंजाब च कितने नहीं आई, और हिंदुस्तान के जड़े कितने भी किसी भी सूबे यहोजी हल्की सोच की सरकार कितने नहीं आई। सो ये बहुत बड़ा जरा असं कहने पंजाब की विडंबना है, पंजाब को गंभीर लोग की लोड़ है, एक सियाने लीडर की लोड़ है, जिसकी घाट अज इस सरकार को नहीं रही है लगती है। क्योंकि जो सरकार बनी सी तो बहुत सारे लीडरां नूं असीं कहिंदे सुनिया सी कि जिहड़ियां रवायती पार्टी जिहड़ी परंपरागत जिहड़ियां पार्टियां आ उहनां नूं हटा के एक नवीं तब्दीली लिआंदी, पर परंपरागत जिहड़ियां रवायती पार्टियां नूं रवायतां है कि सरकार चलाउण दीआं रवायतां की है ये पता सी। और जे असीं गैर रवायती पार्टियां नूं लिआंदा तां उहनां ने यह दस दित्ता कि जिहड़ा सरकार चलाउण दे लई रवायतां दी जिहड़ी लोड़ है वो इन्हें को पूरी नहीं की जा सकती। ये अज जी लोगों के लिए बहुत वाला जोड़ा विषय है, और बहुत पंजाब का बहुत वाला नुकसान जोड़ा हो रहा ये सारे पंजाब में चिंता है। गवर्नर साहब कह रहे हैं कि हम भी इन्होंने कोई सुधार नहीं आया इन्होंने रवैये जवाब नहीं दिता तो राष्ट्रपति राज भी ला सकते हैं, मतलब क्या ये ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਾਇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਾਰੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੁਣੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ